बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन यमी फ्राइड राइस बना रहे हैं। इसके लिए आधा किलो चावल ले लें और 10 मिनट पहले भिगो लें। हाफ के जी बोनलेस चिकन, पर्पल कैबेज एक पाव, दो गाजरें, एक पाव बीन्स, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून या आपके जायके के मुताबिक, सोया सॉस 2 टीस्पून, व्हाइट विनीगर 1 टीस्पून, ऑयल 1 कप। राइस में 1/2 टीस्पून सिरका और 2 टीस्पून ऑयल डालकर इसको बॉईल कर लें। बोनलेस चिकन को बॉईल करके उसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। कैबेज की कटिंग हो चुकी है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब बीन्स शामिल करें, अब चिकन शामिल कर दीजिए, अब इसमें अनियन शामिल कीजिए, थोड़ा फ्राई करें। अब इसमें ग्रीन चिलीज और चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है। अब नमक शामिल करें, ब्लैक पेपर, पर्पल कैबेज। अब इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करें। सिरका शामिल कर दीजिए, सोया सॉस शामिल कीजिए। 2 मिनट तक मैंने इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम दे दीजिए। हमारी कैबेज तैयार हो गई है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चिकन वेजिटेबल में राइस शामिल हो चुके हैं, अब इसको आपस में मिक्स कर लीजिए। हमारे यम्मी चिकन कैबेज राइस तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।